गौ माता सीधा दूध देती है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो परिपूर्ण है, उसके अंदर सब कुछ दिव्यता से मिला हुआ है, पर फिर भी आप उस दुग्ध को पीने से पूर्व अग्नि के ऊपर उसको उबाल लेते हो, जिससे यत्किंचित उसके विकार नष्ट हो जाते हैं और वो पूर्ण अमृत हो जाता है। पर इसके बाद अभी एक चीज और है, क्या? थोड़ा मिश्री और डाल लेते हो। गैया से सीधा निकला दुग्ध भी पेय था, किसके लिए? वत्स के लिए, बछड़े के लिए। संत तो वत्स की तरह होता है, इसलिए शास्त्र की गैया से सीधा दूध पी लेता है। विद्वान की दशा वत्स की सी दशा है। विद्वान वो है जो गैया के थनों में मुंह मार के दूध निकाल लेता है। हमने कृष्ण को ग्वाला माना है, जब ग्वाला दूध लेकर आता है ना, वत्स तो खुद दूध पी लेता है, पर ग्वाला खुद दूध नहीं पीता, बल्कि अग्नि के ऊपर उसे उबाल करके मिश्री उसमें डाल करके स्वर्ण पात्र में परोस करके तुम्हें पिला देता है। कवि कौन है जो शास्त्र की गैया से इस व्याख्या के दुग्ध को निकाल करके सबसे पहले अपने आत्मचिंतन के भगोने में रखता है, नीचे कृष्ण प्रेम की आग लगाता है। इस व्याख्या के दुग्ध को पहले आत्मचिंतन के भगोने में उबालता है, उबाल करके तुम्हारे पाचन योग्य बनाता है, और फिर कुछ उसमें साहित्यिक शब्दों की मिश्री डाल करके अपने मुख के भगोना में भर करके, लोटा में भर करके, तुम्हारे कानों के ग्लास में परोस करके तुम्हें आस्वादन करा देता है।